तो जितने दोषी हैं इनको तुरंत फांसी दे दी जाए। और आदित्य तेजस्वी ने हमको यही कहना था कि प्रियंका जी हमारे घर आई, उन्होंने देखा, क्या कहा, क्या बात किया, क्या वो करेंगी, क्या सोच रही है, हमें माता बहन और भाई और परिवार के छोटे छोटे सदस्य, उनका घर देख करके हर इंसान ये कह सकता है कि इससे ज्यादा गरीब और क्या हो सकता है। कोई कच्चा घर है, छप्पर है, आंगन में तुलसी लगी है और जो कुछ है वो दिखाई दे रहा है उनके पास जो कुछ हो। इस परिवार ने एक बहादुर बेटी को खोया है। वो बेटी जा रही थी न्याय के लिए कि उसे न्याय मिल जाए और तब न्याय नहीं मिल पाया उसे जब सरकार की जानकारी में था, सरकार के जो लोग हैं उनकी जानकारी में था कि उसके साथ क्या घटना हुई है, क्या FIR दर्ज है, क्या उसके बयान हैं, और उसके बावजूद भी सरकार उसकी जान नहीं बचा पाई। ऐसी दर्दनाक घटना हैदराबाद के बाद अगर कहीं हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई। हमें दुख है कि उत्तर प्रदेश की एक गरीब बेटी इस तरीके से दर्दनाक घटना में उसने जीवन खो दिया। समाजवादी पार्टी पहले दिन से उनके परिवार की मदद कर रही है, अस्पताल में भी मैंने भेजा था। और देखिए सरकार क्या छिपाना चाहती थी कि जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया, पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे नरेशोत्तम पटेल उन्हें नहीं मिलने दिया, अपर हाउस में हमारे नेता विरोधी दल हैं आदरणीय अहमद हसन साहब उन्हें भी नहीं मिलने दिया। तो सरकार आखिरकार क्या लखनऊ में छिपा रही थी? सरकार को पता था उसके स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि जिस समय मेरी डॉक्टर से बात हुई सिविल हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि तबीयत बहुत खराब है, बड़ी मुश्किल से उसे नस मिली है पैरों की। तो मैं समझ सकता था कि कैसी तबीयत रही होगी। और सरकार ने जानबूझ करके सब कुछ जानते हुए भी कि यहाँ पर पॉलिटिकल चीजें ना हो इसलिए दिल्ली भेजा, दिल्ली के डॉक्टर से भी वो आखिरी में यही कहा उसने कि मेरी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, मुझे बचा लो, मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं न्याय के लिए मांगना चाहती हूँ, न्याय हो मेरे साथ मैं चाहती हूँ। लेकिन उसका जीवन चला गया। हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसे न्याय मिले, जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी कानूनी सजा मिले। और मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा है कि परिवार के लोगों के बीच में आकर के अगर कोई भी मदद चाहेंगे हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के उनकी परिवार की मदद करेंगे। सरकार समाजवादी अखिलेश के संग समाज के पथ पर आए।